सत्ता के बाद संघर्ष के लिए कौन रह सकता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी। और यही पत्रकारिता में आवश्यक है कि आप खाली उन नेताओं को न देखें जो सत्ता में है। नमस्कार, आचार्य जी को प्रणाम। गुलाम नबी आज़ाद जी जो इस पूरे कार्यक्रम के प्रमुख, कहना चाहिए कि केंद्र बिंदु हैं, हम सबके बहुत वरिष्ठ नेता, देश के वरिष्ठ नेता। और सबका नाम लेकर के मैं आपका समय नहीं लूँगा। विजय दर्डा जी और राजेंद्र जी तो परिवार के हैं, इतना सब कुछ आपको बताया भी गया है। मैं कुछ बातें एक पत्रकार और उनसे जुड़ी हुई बात जरूर कहूँगा, क्योंकि एक तो पुस्तक, सबसे पहले मेरा आग्रह यही है कि ऐसी पुस्तकें, अभी तो अपर्णा जी का नाम लिया ही गया और किरण मोघे जी भी हैं क्या, क्योंकि हिंदी में अनुवाद किया उन्होंने तो उनको भी श्रेय है, क्योंकि हिंदी मराठी बल्कि शायद अंग्रेजी एडिशन भी आने वाला है, तो वो भी आए तो अधिक भाषा में पहुँचेगा, जो प्रेरणा के लिए लोग ये कहते हैं। चूँकि मंत्री जी हमारे यहाँ पर कुछ मंत्री हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, राजन जी भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि पुस्तक और अखबार कौन पढ़ रहा है। मेरा यही निवेदन है इस मौके पर कि नहीं, लोग पढ़ते हैं, दूर दराज में मराठी का अखबार इतना बिकता है, हिंदी का अखबार बिकता है। राकेश शर्मा जी हमारे पुराने टाइम्स और हिंदुस्तान टाइम्स में रह चुके हैं, वो भी परिवार के मित्र हैं, तो ये सही है कि ऐसी पुस्तकें अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे। अब मैं अपनी बात कहता हूँ, चूँकि इस पहले विजय जी ने मेरे पास संदेश भेजा था कि ऐसी पुस्तक तैयार की जाए, चूँकि आप थोड़ा परिचित रहे हैं पुराने, मैं 71 से इस प्रोफेशन में हूँ, और संयोग है कि यही विट्ठल भाई पटेल हाउस है जो संघर्ष की गाथा है इंदिरा जी के बारे में कही जाती है। मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में राजनीतिक संवाददाता था, और दर्डा जी, जवाहरलाल दर्डा जी, मौलंकर हाल में पहला सम्मेलन हुआ था, गुलाम नबी जी शायद उस बात को तस्दीक करेंगे, याद होगा, जब शायद देवराजर्स या ब्रह्मान रेड्डी जो पहले बने फिर बाद में हटे, वो सारा उस समय। तो मेरा ये कहना है कि सत्ता के साथ सब रहते हैं। गुलाम नबी आजाद जी जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे शुरू में, और अंबिका जी अध्यक्ष थी संजय गांधी के समय में, हरीश गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं लोकमत से, वो जानते थे संजय गांधी के समय का युग हमने देखा। अंबिका जी तो इंदिरा जी को छोड़ गई थी, कड़वी बात के लिए माफ करेंगे, गुलाम नबी आजाद जी ने नहीं छोड़ा था और ऐसे कई लोगों ने नहीं छोड़ा था, उसमें इसीलिए जवाहरलाल दर्डा जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूँ। और इसके पहले भी महाराष्ट्र, चूंकि मैं उससे पहले एजेंसी में था हिंदुस्तान समाचार में, तो प्रतिभा पाटिल जी वहाँ मंत्री थी और सवाई सिंह सिसोदिया जी के साथ ही मैं रहता था, तो विट्ठल भाई पटेल हाउस ये, और शंकरदयाल शर्मा जी रायसीना रोड पर जो 6 नंबर है वहाँ रहते थे। तो सत्ता के साथ सब रहते हैं, सत्ता के बाद संघर्ष के लिए कौन रह सकता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी। और यही पत्रकारिता में आवश्यक है कि आप खाली उन नेताओं को न देखें जो सत्ता में हैं। विद्याचरण शुक्ला के पास जब हम जाते थे सुंदरनगर में, गुलाम नबी भाई, तो बाहर सीबीआई बैठी होती थी, तो कहते थे कि तुमको डर नहीं लगता है, मैं तो पत्रकार हूँ, कुछ बातें पता चले कि किस आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, नहीं बने वो अलग बात है, उस विवाद में मैं नहीं जाऊँगा, आज तक नहीं बने, चूँकि छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है तो मैं टेलीविजन चैनल पर जहाँ जुड़ा हुआ हूँ या जब डिबेट में हिस्सा लेना हो तो याद दिलाता हूँ। अरविंद नेताम होते थे, वो भी यहीं कहीं पीछे अशोका रोड पर रहते थे। तो जवाहरलाल दर्डा जी के ऐसी विभूति जिन्होंने सत्ता संघर्ष दोनों के साथ रहे। एक और नाम लूंगा, क्योंकि इन लोगों से मैं सुनता था, उनसे भी यहाँ थोड़ी मुलाकात, ये सही, इसीलिए मैंने दर्डा जी, विजय जी को कहा कि देखिए मुझसे अच्छा जो मराठी में उनके मूल रूप को ज़्यादा वहाँ जानता होगा वो ज़्यादा स्वस्थ होगा। मैंने अपनी कमजोरी या ये कहिए कि उनको लगा हो तो होगा, विकास मिश्र संपादक है उनके हिंदी के, कि भाई कह रहे हैं और आपको ऐसा ही है, मैं लिख सकता, मुझे अच्छा लगता कि मैं लिखूं
और किताबें अधिक जाए, लेकिन मैंने कहा उनसे अच्छा कोई जाने उस भाषा में जो उन्होंने उस समय काम किया, वो यदि तैयार करेंगे उसके बाद और भाषाओं में जाएगा तो अच्छा होगा। बल्कि मैंने तो विजय जी तब भी कहा था और अभी भी कहूँगा कि उन पर एक अच्छी छोटी फिल्म भी बनना चाहिए इस पुस्तक के आधार पर, जिसमें हम शुरू से मेरा आग्रह रहा जो इस पुस्तक का हो रहा था, ताकि अधिक डिजिटल है, नया पीढ़ी जो आई है वो यदि पुस्तक नहीं पढ़ रही तो डिजिटल में देखेगी। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो पत्रकारिता में जो लोकमत का, चूंकि मैं पत्रकार के नाते मुझे कहा गया तो मैंने कुछ तो बैकग्राउंड बताया कि थोड़ा मेरा संपर्क हुआ, उनको मैंने देखा, थोड़ी थोड़ी मुलाकात हुई, उन लोगों से ज़्यादा सुना, ऐसा मैंने कहा कि तब तो मैं एक होती युवा भी था, तो इसलिए प्रतिभा पाटिल, शंकर दयाल शर्मा जी, इन लोगों से भी कौन महाराष्ट्र में काम ऐसा कर रहे हैं। चूँकि रविशंकर शुक्ल जी ने लोकमत का उस समय लोकार्पण किया जब मध्य प्रदेश भी शायद नहीं बना, और वो ऐसी स्थिति में वहाँ से लेकर के उद्योग मंत्री के रूप में एक और हमारे बहुत नज़दीक थे, जो गुलाम नबी जी के भी बड़े नज़दीक थे, विट्ठल भाई पटेल, उनसे भी मेरा बड़ा उनका स्नेह है, क्योंकि विट्ठल भाई पटेल हाउस ये कहलाता है, लेकिन वो उद्योग मंत्री भी बने। तो कहते थे महाराष्ट्र में जो उद्योग मंत्री के रूप में जवाहरलाल दर्रा जी ने किया वैसा मध्य प्रदेश में होना चाहिए। तो इसे प्रेरणा उद्योग के क्षेत्र में, आज जल की बात होती है, बघेल जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ना, उस समय विद्याचरण शुक्ल भी कभी बने, जल संसाधन मंत्री पहले भी बनते रहे, लेकिन होता क्या था कि उनको राजनीतिक प्राथमिकताएं अधिक होती, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल दर्रा जी ने जल के लिए, उद्योग के लिए, ऊर्जा के लिए जो काम किया राजनीति में, और उससे बड़ा काम जागरूकता के लिए अखबार के जरिए मराठी में। और ये भी एक संयोग है कि मैं जिस अखबार में था, नवार टाइम्स में, उसमें कोई विवादास्पद खबर छपी और उसके बाद मेरी विजय जी से मुलाकात हुई। जवाहरलाल जी से मुलाकात उस समय थोड़ी जो एक पत्रकार के नाते हुई थी, लेकिन मित्रता विजय दर्रा जी से तब हुई जब कुछ उसमें छपा और फिर कुछ और आगे हुआ बाद में हमारी मित्रता हुई। तो मैंने कहा हिंदी में भी अखबार निकलेगा तो और अच्छा है, जवाब तो यही है एक मित्र के नाते। और सचमुच में अखबार निकला और विभिन्न विचारों की बात कहें, तावड़े जी यहाँ बैठे हैं, तो अच्युतानंद मिश्र जी का नाम मैंने सजेस्ट किया विजय दर्रा जी को। वो माने जाते थे कि वो वैसे संघ से, उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ही बने निष्ठावान रहे, आज भी हैं। और तो विजय दर्रा जी ने ये नहीं कहा कि वो उस विचार के, चूंकि मैं उनको पता, वो जनसत्ता में भी थे, नवार टाइम्स में भी हमारे साथ रहे थे और मुझसे वरिष्ठ, मैंने उनको मैं बड़ा स्नेह करता था, चूंकि वो इंडिपेंडेंट, उनके संबंध समाजवादियों से भी बहुत थे। तो विजय दर्रा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भाई उनके विचार कुछ और होंगे। जब बात हुई उनकी मुलाकात रहे, लोकमत किस तरह से आगे बढ़ा, वहाँ से लेके अब तक विकास मिश्र हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कह सकता हूँ, उस अखबार में कई बार मुझे कहा नागपुर आ जाओ, घर में भी बुलाया, खाना भी खिलाया, भाषण भी कराया, लेकिन मैंने कहा दिल्ली नहीं छोड़ना मुझे, इसलिए मैं दिल्ली में रहा, लेकिन उनसे संबंध रहे। लेकिन उन संपादकों ने, और भी जो बाद में आए, जयशंकर वो भी मेरे साथ हिंदुस्तान में रहे थे संवाददाता, जब वो संपादक बने, किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे हस्तक्षेप करना होता है। जो जवाहरलाल दर्रा जी की परंपरा थी, उस परंपरा को इस परिवार ने निभाया, कभी ये नहीं कहा। मैं भी कभी कभी जब मैं बीच में लेख लिखता है, लिखा पहले या बाद में भी, तो ये नहीं कहा कि आप तो इस बारे में आपकी राय ये है, हम तो नहीं छाप सकते, या संपादक पर कोई प्रेशर हो। औरंगाबाद में इनके संपादक हो, भोपाल में हो, कहीं भी जो रहे, किसी ने मुझे, वरना एक पत्रकार के नाते तो अपना दर्द सुना सकते थे। ये निष्पक्ष पत्रकारिता कि ऐसे हाउस चला सके जो एक खास विचारधारा से जुड़े हुए मंत्री रहे, विजय दर्रा जी सांसद रहे, राजेंद्र जी इतना खुद इतना जुड़े रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पत्रकारिता को जो पिता ने सौंपी, इसलिए इस पुस्तक का महत्व है निष्पक्ष पत्रकारिता हो, सत्ता के साथ संघर्ष के लिए तैयार हो, और पत्रकार भी संघर्ष के लिए तैयार हो। कोई सिक्योरिटी तब नहीं होती थी, अरुण शौरी जी को तो क्या क्या अरुण नेहरू जी ने दिला दिया था, तो हम लोग डरते थे नवार टाइम में कि कहीं वो बंदूक हम पर ना चल जाए। हम कहते संपादक पत्रकार है, कश्मीर में जाए तो गोली तो इनको हमको भी मार सकता है, तो फिर क्या है। मैं तो चुनाव में गया जहां कई बार ऐसी समस्याएं, आतंकवाद हुआ भी था, और जगमोहन जी को तो लोग बड़ा, उनको वोट डालने वाली स्थिति खबरें हमने छापी थी, वो लोकप्रिय हो गए थे।
तो ये डिपेंड करता है कि आप संघर्ष के लिए तैयार रहें और गोली खाने के लिए तैयार रहें। ये पत्रकारिता का गुण है। खाली स्वतंत्रता सेनानियों का नाम न ले, है आपको जो असहमत है वो कहिए, बोलिए, लेकिन आवश्यक यह है कि असहमतियों को जगह दीजिए। चौधरी जी चले गए वैसे, लेकिन मैं कहूंगा हमारे मित्र बैठे हैं यहां पर कि ये कि बायकाट कर दो चूंकि वो असहमत है, असहमत है, अरे बायकाट नहीं, आप उनसे मिलिए, उनसे कहिए। मुझे तो हमेशा राजेंद्र माथुर के लिए कहा जाता था वो आरएसएस के हैं कि समाजवादी हैं कि कांग्रेसी हैं, हम लोगों के लिए भी कहा जाता है, तो हम कहते हैं भाई हम कुछ नहीं है, हम केवल पत्रकार हैं। कभी साइकिल से चले थे, कभी स्कूटर पर चले थे, कभी मोटरसाइकिल पर चले थे, कभी कार पर भी चले थे। हर प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे, जो आएगा, जो नड्डा जी के साथ भी यात्राएं की है प्रधानमंत्रियों के साथ, और जो ठीक लगा वो लिखा। अगली बार यदि संबंध नहीं हुआ या प्रबंधन को गड़बड़ लगा तो फिर रास्ता बदल लिया। तो इसलिए पत्रकार यदि जो यहाँ पर हैं, मैं कहूँगा सुरक्षा मत मांगिए, हिम्मत से, निष्पक्षता से जो उचित लगे करिए, नहीं हो तो अपना मंजिल जवाहरलाल नड्डा जी को प्रेरणा माने। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये पुस्तक अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे।